और कल मैं अपना जो है YouTube एनालिसिस चेक कर रहा था एंड मुझे देखने को मिला कि हमारी जो 70% वीडियो है ना, सब पे रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है, जिसे देख के थोड़ी सी मोटिवेशन बनी है कि अब यार कंसिस्टेंट रहना है। तो ये वीडियो होने वाला है कंसेंट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि बीच में हमने टॉपिक जो थे वो अलग अलग चूज किए थे, तो एक CNX से रिलेटेड वीडियो डालनी थी, तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो पहली चीज, जो मैं CNX ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ एंड उसका रीज़न कोई बैड फीडबैक रहेगा नहीं CNX को, क्योंकि CNX में मैंने 6-7 महीने से ज़्यादा काम किया है। एंड जो भी तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वहाँ की, उसमें तुम लोगों को पता ही होगा जो भी मैंने शेयर किया वहाँ के बारे में, सब कुछ अच्छा था। बस वो जो सैलरी का थोड़ा सा इशू रहता है, इधर सैलरी टाइम से भी आती है, बट सैलरी का इशू सिर्फ एक छोटा सा ये है कि इधर सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। आप जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं कि अमन भाई थोड़ी सैलरी कम है या फिर आपकी सैलरी क्या है, तो मैं बता देता हूँ, मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा तो ये सब छुपा के फ़ायदा क्या तुम लोगों से। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा एकदम डोप रहा है। मैं स्टिल तुम लोगों को रेकमेंड करूँगा कि तुम लोग CNX के लिए जा सकते हो अभी भी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस अभी ओपन हुए हैं जिसमें भी हायरिंग चल रही है, जिसमें वॉइस प्रोसेस या चैट प्रोसेस भी है। एंड रिसेंटली मेरे थ्रू काफ़ी लोग लगे हुए हैं। एंड अभी जिसमें मेरी तरफ से गए हैं उसमें कॉमकास्ट हो गया, आपका व्हील्स हो गया जिसमें मैं खुद था, एंड 2-3 प्रोसेस हो रहा है, उनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है तो मेरे को याद नहीं है। तो इंक्वायरी से रिलेटेड वही इंस्टा पे मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा, वो बता देना कि मुझे तुम लोग रिप्लाई करते हो कि इंटरव्यू का पूरा MCAT वगैरह, MCAT से रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि MCAT कैसे क्लियर करें, क्योंकि पहला स्टेप ही MCAT होता है इंटरव्यू का CNX में, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सीरीज में जो है सीरीज वाइज डिवाइड करेंगे, पहले MCAT के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऑप्स राउंड के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्सेंट के बारे में। वर्सेंट के क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सेंड कर देता हूँ जब भी तुम लोग मुझे रिप्लाई करते हो इंस्टाग्राम पे, तो पूरी गाइडेंस दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो तुम्हारा रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि यार मैं एक टाइम पे ना ऐसे 50-60 लोगों को एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकता, और क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, मेरे खुद के भी ऑलरेडी काम है, तो इसलिए थोड़ा सा सबर किया करो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा वेट किया करो। बाकी एक छोटी सी चीज़ जो अभी इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ वो है ईमेल से रिलेटेड। मैं जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन सेंड करता हूँ तो तुम्हारे से ईमेल की रिक्वायरमेंट लेता हूँ, मतलब ईमेल के लिए मैसेज करता हूँ कि मुझे ईमेल अपना दे दो, तो मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। कुछ लोगों को रिसीव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो स्पैम में चला जाता है, तो आप लोग एक बार स्पैम रिफ्रेश करके देख लिया करो, क्योंकि जब भी मैं मेल सेंड करता हूँ ना तो मेरे पास रिप्लाई आते हैं कि हमें रिसीव नहीं हुआ, तो आप एक बार ना चेक कर लिया करो कि स्पैम में है या नहीं, फिर अगर नहीं आता तो दोबारा मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कुछ और रिलेटेड क्वेरीज हैं आपकी, इंस्टाग्राम लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से फॉलो कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।